जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले कावड़ यात्रा के लिए एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बैठक की। इस दौरान बैठक में एसडीएम ने कावड़ मेले की हर एक व्यवस्था पर बिंदुवार चर्चा की, साथ ही कावड़ियों के लिए निर्धारित नियमों को लागू कराने की बात कही। हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियों को प्रशासन अंतिम रूप दे रहा है। प्रशासन ने कावड़ यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए लंबा चौड़ा ब्यौरा तैयार किया है। ब्यौरे की हर अपडेट के लिए एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि सभी राज्यों से आने वाले कावड़ियों का क्या अनुपात है, वर्ष 2002 से अब तक कितने कावड़िए पवित्र गंगा जल लेने आए हैं, सभी की जानकारी इकट्ठी की जाए। एसडीएम ने कहा कि कोई भी कावड़ 12 फीट से ऊंची नहीं होगी, कावड़िए कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो। रास्ते में कावड़ियों को निर्धारित ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी पालन करना होगा। एसडीएम ने सभी विभागों से कहा कि जहां पर भी जो कमी रह गई है उसे 30 जून तक हर हाल में पूरी करें। सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी उनको कार्य सौंपे हैं वो कार्य तेजी से पूरे करें और 30 जून तक सभी कार्य पूर्ण कर दिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।